हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फूड जोन। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पैनकेक की रेसिपी। तो उसे बनाने के लिए हमने लिया है मैदा, पाउडर शुगर, एक अंडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, दूध, रिफाइन ऑयल और विनेगर। तो सबसे पहले हमने एक ग्लास लिया है, अब हम उसमें दूध ऐड करेंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद बटर मिल्क बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हमने लिया एक बाउल, अब हम उसमें मैदा ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर, यानी हमने चीनी को मिक्सर में पीस लिया था। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये देखिए, 10 मिनट हो चुका है और बटर मिल्क बनकर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। हम बटर ही मिल्क में अंडा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बटर मिल्क तैयार करा हुआ मैदे में धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसे एक ही डायरेक्शन में घुमा के मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है और इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाकर हमें मिक्स करना है। केक का बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें वैनिला एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमने एक पैन लिया है, अब हम गैस ऑन कर लेंगे। अब हम पैन को थोड़ा सा तेल के साथ ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को टिश्यू पेपर की मदद से पोंछ देंगे। इसमें थोड़ा ही सा तेल का यूज होता है। हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। अब हम बैटर लेंगे और इसे पैन के ऊपर डालेंगे। अब हम इसे एक साइड से पकने देंगे जब तक कि इसमें बबल्स आना शुरू ना हो जाए। हमें इसे मीडियम आंच पर पकाना है। तो ये देखिए, बबल्स आना शुरू हो गया है। सारे बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसे पलट लेंगे और इस साइड का भी हम पकने देंगे। तो चलिए, अब हम इसे एक बार और पलट के चेक करते हैं कि दूसरा साइड पक गया है कि नहीं। तो ये देखिए, ये साइड भी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और ऐसे ही करके हमें सारे पैनकेक को रेडी कर लेना है। तो अब हम दूसरा पैनकेक भी तैयार करेंगे। तो उसके लिए जिस टिश्यू पेपर से हमने ऑयल पोंछा था, हम उसे दोबारा पैन पर इस तरह से कर लेंगे। अब हम बैटर लेंगे और इसे पैन में डालेंगे। और याद रखिए, हमें पैनकेक को किसी भी चीज से प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर हम प्रेस करेंगे तो इसका एयर बबल्स निकल जाएगा और ये फ्लफी नहीं बनेगा। देखिए, इस
इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए, वाओ। इसी तरह से हमें सारे पैनकेक को तैयार कर लेना है। इस साइड का भी हम पकने देंगे। तो चलिए हम इसे भी पलट के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस साइड का भी हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए, पैनकेक बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप इसके ऊपर शहद से और बटर से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वाह।